हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश यादव MK3D क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, साइंस में मैंने बहुत से चैप्टर आपको क्लियर किए। आज अगला टॉपिक लेकर आया हूं प्रकाश, इसको इंग्लिश बोलते हैं लाइट। इसमें से ज़ोरदार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, बेहतरीन तरीके से कई क्वेश्चन बनते हैं। तो अच्छे से प्रकाश चैप्टर पढ़िए। थोड़ा इसमें क्या होगा दोस्तों कि कई पार्ट में वीडियो मिलेगा, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, दो तीन पार्ट में आपको मिलेगा बेहतरीन तरीके से। तो आप पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ना क्यों सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो प्रकाश के बारे में बताते हैं, प्रकाश है क्या। पहले प्रकाश के बारे में सुनिया है क्या प्रकाश। दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। प्रकाश के द्वारा हम वस्तु को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, परंतु हम प्रकाश को नहीं देख पाते। जैसे मान लिया कि कोई कमरा है, वहाँ पर अंधेरा है और वस्तु रखी हुई है, तो हमको वस्तु दिखाई नहीं देगी। जब वहाँ पर प्रकाश आएगा, तो हमको वस्तु दिखाई देती है। कैसे? पहले वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँख बनता है, तब हमको वस्तु दिखाई देती है। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्यान रखिए, एग्जाम पूछता है प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है, एग्जाम में पूछता है। अब प्रकाश की पूछता है एग्जाम में, प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो दोस्तों, प्रकाश की चाल जो होती है एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रकाश की चाल जो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल जो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश किस प्रकार की तरंगे हैं, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंगे का मतलब होता है कि लंबवत रूप में कंपन करती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश किस प्रकार की तरंगे हैं, तो प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश जो होती है लंबवत रूप में कंपन करती है। जब लंबवत रूप में कंपन करती है, तो प्रकाश किस प्रकार के तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश है विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है जी। अब प्रकाश की खोज किसने की है, एग्जाम पूछता है प्रकाश की खोज किए थे रोमर ने। ये बेहतरीन तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको नोट करिएगा, किस प्रकार के तरंग हैं, अनुप्रस्थ तरंग हैं। कैसी इस खोज की किसने किया, तो रोमर ने किए थे। प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है, तो किस विधि द्वारा आता है, विकिरण विधि द्वारा। ध्यान रखिएगा, प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण विधि द्वारा आता है। तो किस विधि द्वारा आता है, विकिरण विधि द्वारा आता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने सेकंड पहुंचता है, प्रकाश पृथ्वी पर कितने सेकंड पहुंचता है, तो प्रकाश पृथ्वी पर कितने सेकंड पहुंचता है, तो 499 या 500 सेकेंड। यह दिया रहता है 8 मिनट 19 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड, ये आपके एग्जाम पूछता है।
तो टोटल बेहतरीन तरीके से मैंने टोटल क्वेश्चन लिख दिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहे यार। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए। मेरा वादा है, मैं गारंटी लेता हूँ कि पूरी साइंस एकदम क्लियर कर दूंगा, एकदम निचोड़ पूरा लिख दूंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। एनटीपीसी रेलवे कोई भी एग्जाम आप देंगे तो टोटल क्वेश्चन आपको फंसेगा, तो बेहतरीन तरीके से पढ़िए, मज़ेदार पढ़िए एकदम। तो प्रकाश के बारे में मैंने बताया, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो विकिरण विधि द्वारा आता है, कितने सेकेंड में आता है, 499 या 5 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश से किस प्रकार की किरणें निकलती, कभी कभी एग्जाम पूछता है, तो लिखिएगा सूर्य के प्रकाश से दोस्तों पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। ये सूर्य के प्रकाश से कौन सी किरणें निकलती है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। वो पराबैंगनी किरणें ओजोन की परत जो होती है, समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है, ओजोन की परत उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अब एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, ओजोन की जो परत होती है उसको हम किससे मापते हैं, तो मापा जाता है दोस्तों डाप्सन, ये भी पूछ लेता है एक एक चीज़ यार बेहतरीन तरीके से। तो ओजोन की परत किससे मापा जाता है, डाप्सन से। पराबैंगनी किरणें को अवशोषित कौन करता है, ओजोन की परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। ये तो अब इसके बाद एक आता है दीप्त वस्तुएं, छोटा सा टॉपिक, दीप्त वस्तुएं नंबर दो, अदीप्त वस्तुएं। ये दीप्त वस्तुएं समझिए, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं दीप्त वस्तु कहलाती है, जैसे जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, लालटेन जलती हुई, ये सब दीप्त वस्तुएं होती है। अदीप्त वस्तुएं का मतलब होता है कि जिस वस्तु से स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन न हो अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे चंद्रमा एग्जाम में पूछता है, चंद्रमा जो होता है बच्चों वो अदीप्त वस्तुएं हैं। ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है, चंद्रमा जो होता है सूर्य के प्रकाश से चमकता है। एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है चंद्रमा है। इसका प्लायन वेग अगर पूछा जाए तो 3.24 होता है किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ये प्लायन वेग कभी कभी पूछता है कि चंद्रमा का प्लायन वेग कितना होता है, तो चंद्रमा का प्लायन वेग जो होता है 3.24 किलोमीटर प्रति घंटा उपग्रह होता है। किस स्वयं प्रकाश होता है कि नहीं होता, दीप्त है कि दीप्त है, अदीप्त वस्तुएं हैं, तो मैंने आपको इसमें क्लियर किया। अब अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। एक एक चीज़ लिखते जाइएगा, कोई चीज़ छोड़िएगा ना, कमेंट करिएगा, बताइएगा। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन मीन्स होता है टकरा कर जाना। जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है, टकराने के बाद अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, तीसरी घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। आप मिरर देखे हैं, मिरर मीन्स होता है दर्पण। मान लीजिए कि कोई ये दर्पण है, इस पर प्रकाश आता है, टकराता है, टकराने के बाद कहाँ अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, तीसरी घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। तो कहने का मतलब है प्रकाश का
प्रकाश का किसी चिकने तल से टकरा कर अधिकांश भाग वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बेहतरीन तरीके से देखिए, कितना मैं परेशान हूँ, बहुत गर्मी है तब भी मैं तुमको वीडियो दे रहा हूँ, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। तो प्रकाश का किसी चिकने तल से टकरा कर वह अधिकांश भाग वापस लौट जाने की घटना जो होती है प्रकाश का परावर्तन कहती है। कभी कभी एग्जाम पूछता है कि प्रकाश का चिकने तल से टकरा कर, मतलब जैसे दर्पण प्रकाश आता है, आने के बाद टकरा कर वापस लौट जाता, तो ये घटना जो कहलाती है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं, इसके दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो। कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। एक नियम तो है कि प्रकाश की जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया विलंब, तीनों कहाँ मिलते हैं? एक बिंदु पर। अब जो कोण बनता है, आई बनता है, AR बनता है, तो मैं पहले लिख देता हूँ, ये जो किरण आती है इसको आपतित किरण बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपतित किरण, और टकरा कर जो जाती है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ये जो बच्चों होता है या विलंब होता है, ये अभिलंब ये जो होता है आपतन बिंदु होता है, ये आपतन बिंदु होता है, ये आपतित किरण होता है। तो कहने का मतलब फर्स्ट है कि जो किरण आती है उसको कौन सी किरण बोलते हैं? आपतित किरण। जो टकरा कर जाती है उसको कौन सी किरण बोलते हैं? परावर्तित किरण। ये अभिलंब होता है, तीनों जहाँ पर मिलते हैं उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। तो पहला नियम होता है, ध्यान सुनिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, डाला गया अभिलंब, तीनों एक तल पर मिलते हैं। अब दूसरा ये है, फिर समझिए, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण, डाला गया अभिलंब, तीनों एक तल पर मिलते हैं। दूसरा ये है कि इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये कभी कभी पूछ लेता है इस कौन सा नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन का नियम है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण डाला गया विलंब, तीनों एक तल पर मिलते हैं। तो मैंने प्रकाश का परावर्तन संबंधित आपको बताया। अब होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण मीन्स होता है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता, जो आप लोग मिरर है ना, आपका समतल दर्पण है, कभी कभी पूछ लेता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? भाई साहब, अनंत होती है। जब आप दर्पण में देखिए, उसकी फोकस जब इस पर पड़ता है, पढ़ने के बाद जब जाता है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। कभी कभी एग्जाम पूछता है समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। नंबर दो, दो समांतर दर्पण रखने पर प्रतिबिंब अनंत बनता है, प्रतिबिंब अनंत बनता है। अब थीटा कोण, यदि ध्यान रखिएगा, यदि थीटा कोण
यदि थीटा कोण बनाता है, यदि थीटा कोण बनाता है तब, थीटा कोण बनाता है तो तब प्रतिबिंब का सूत्र ये हो जाता है। प्रतिबिंब के लिए 360 बटे थीटा माइनस में 1, ध्यान रखिएगा, तो हो जाएगा 360 बटे थीटा माइनस 1। ऐसे क्वेश्चन में पूछ लेता है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आरएम टेक्निकल या एनटीपीसी में पूछा गया था। दो समांतर दर्पणों को रखा जाता है जब उसका कोण थीटा बराबर 45 अंश है तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे। तो 360 यहाँ रखिए 45 माइनस 1, अब इसको काटिए आप, ये 45 अंश है, ये 360 अंश है, अब कितने से कटेगा देखो, 8 5 40 8 चौक 32 सात बार जा 8 बार जाएगा, तो 8 में से मैं एक घटा दूँ कितना 7, कितने प्रतिबिंब बनेंगे 7 प्रतिबिंब बनेंगे। तो कोण बनाते हुए अगर दर्पण को रखा जाता है तब पूछे कितना प्रतिबिंब बनेंगे, तो 7 प्रतिबिंब बनेंगे। यदि कह दिए कि 360 अंश का कोण बनाता है, यदि यहाँ पर कह दे थीटा बराबर 60 अंश का कोण बनाता है तब कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो 360 रखूँगा माइनस 1, काट देंगे 6 6 36, तो 6 में से एक घटा दूँगा तो आएगा आपका 5, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे 5। तो बेहतरीन तरीके समतल दर्पण के बारे में, परावर्तन के बारे में मैंने आपको प्रकाश के बारे में बेहतरीन तरीके समझाया था। अच्छे से शेयर करिए, जो भी वीडियो देखिए लास्ट तक देख करिए। सही भी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।